हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक। मैं शैलेंशेखावत एसी टेक के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के कंप्रेसर हैं जो हमारे एयर कंडीशनिंग में यूज होते हैं और ये कंप्रेसर हम कहां-कहां यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं इस चैनल पे एसी टेक चैनल पे एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो भी हिंदी में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। और हाँ, एक और आप जो अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, आपके जो भी क्वेश्चंस है आप आज से जो भी वीडियो में बनाऊंगा उसके आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फिर जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपकी जो कमेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स दूंगा, ताकि जो मुझे हमेशा आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मेरे लिए भी एक दिक्कत होती है कि एक ही सेम क्वेश्चन सब रिपीट करते रहते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा कि जो आपके क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर के टाइप जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कंप्रेसर क्या है। तो ये कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारी जो रेफ्रिजरेंट है इसकी प्रेशर इंक्रीज करता है, और ये वेपर स्टेट में होती है यानी कि गैस फॉर्म में होती है। तो ये जो इसकी जो है प्रेशर इंक्रीज करता है किस तरह से, इसकी वॉल्यूम कम करके, यानी कि इसकी आयतन जो होती है उसे कम करके। तो ये तो हो गई कंप्रेसर के बारे में बात। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन और सिलेंडर की सहायता से जो है कंप्रेशन का काम होता है। ये जो कंप्रेसर है ये फेमस कंप्रेसर है, आप सबने देखा होगा, जो हमारे फ्रिज होता है, एसी होते थे पहले, इनमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते थे। तो इसके अंदर होता क्या है, जो पिस्टन है रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानी रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी तरह का कंप्रेसर है उसमें वो पिस्टन है वो अप डाउन डायरेक्शन में घूमता है। ये डायरेक्शन को हम, ये जो मोशन है अप डाउन का, इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। इसीलिए इस कंप्रेसर का नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर जो है इसमें भी थ्री टाइप्स के कंप्रेसर है। तो सबसे पहला है हर्मेटिक कंप्रेसर या सील्ड कंप्रेसर भी बोला जाता है, जिसे आप लोग बोलते होंगे। तो ये जो हर्मेटिक कंप्रेसर है ये पूरी तरह से सील होता है। इसके अंदर मोटर और कंप्रेसर दोनों एक ही सेक्शन में होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सील्ड होता है वेल्डिंग के जरिए। तो पहले इसे रिपेयरिंग किया जाता था, तो लोग क्या करते थे, उसे कट करते थे वो वेल्डिंग को, और फिर उसको रिपेयर करके वापस वेल्डिंग किया जाता था। तो ये जो कंप्रेसर है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम फ्रिज में यूज़ करते हैं। पहले ये एसी के लिए भी यूज़ होते थे, लेकिन इफ़िशेंसी, पावर इफ़िशेंसी इनकी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आज के लिए एसी में यूज़ नहीं होते हैं। और आज के लिए यूज़ होते हैं वाटर कूलर में, डीप फ्रीज़र में, चेस्ट फ्रीज़र में, ये सब जगह पर ये हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है सेमी ओपन टाइप या सेमी हार्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये जो कंप्रेसर है ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कंप्रेसर में भी एक ही बॉडी के अंदर मोटर सेक्शन और कंप्रेशन सेक्शन होता है, लेकिन ये हम बोल्ट ओपन करके इस कंप्रेसर को ओपन कर सकते हैं और ओवरहॉलिंग कर सकते हैं। इस कंप्रेसर में किसी भी तरह की वेल्डिंग नहीं होती, इसे आप इजीली ओपन कर सकते हैं, और अगर वाइंडिंग गई है तो वाइंडिंग रिपेयर करवा सकते हैं, या कंप्रेसर साइड में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी रिपेयर कर सकते हैं, पिस्टन चेंज कर सकते हैं, कनेक्टिंग चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ इसमें चेंज कर सकते हैं, इसीलिए यह है सेमी ओपन टाइप। तो ये जो कंप्रेसर है ये यूज़ होता है पैकेज एसीज में, नॉर्मली पैकेज एसी में होता है, चिलर्स में यूज़ होता है, जो कम कैपेसिटीज़ के चिलर होते हैं 10 टन तक के, ऐसी जगहों पर ये यूज़ होता है। इसके बाद आता है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का थर्ड टाइप है, ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ऐसा है कि उसकी मोटर जो होती है वो अलग होती है और उसका कंप्रेसर अलग होता है। ये दोनों बेल्ट या कपलिंग के जरिए कनेक्ट होते हैं, आप इन दोनों को अलग करके रिपेयर करवा सकते हैं अलग अलग, या कुछ प्रॉब्लम है तो जिसमें वो भी रिपेयर हो सकता है। ये भी इजीली बोल्ट के जरिए खुल जाते हैं, सब इसके बोल्ट जो होते हैं वो ओपन होते हैं और आप इसे ओवरहॉलिंग कर सकते हैं। और ये जो कंप्रेसर है, ये जो कंप्रेसर है हम यूज़ करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में। जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी इफ़िशेंसी कम है, इसीलिए आजकल जो नए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट आते हैं उसके अंदर भी ये नहीं यूज़ होता। तो कंप्रेसर नंबर टू है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर एक बहुत ही कॉमन कंप्रेसर है, आपने आजकल देखा होगा हर तरह के विंडो एसी, स्प्लिट एसीज में रोटरी कंप्रेसर यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि पैनल एसीज में भी रोटरी कंप्रेसर आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, जो रोटरी कंप्रेसर है इसके अंदर होता है एक रोटरी पिस्टन,
जो कि इस तरह से घूमता है। इस मोशन को बोलते हैं रोटरी मोशन, इसीलिए इस कंप्रेसर का नाम है रोटरी कंप्रेसर। तो इस कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है वो होती है मैक्सिमम 2 टन्स, इसीलिए हायर कैपेसिटीज के सिस्टम में ये कंप्रेसर हम यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जो कंप्रेसर है इसके अंदर रोटरी मोशन के द्वारा, जो हमारे रोटरी मोशन है इसके द्वारा जो रेफ्रिजरेंट है उसे कंप्रेस किया जाता है और डिस्चार्ज लाइन के थ्रू आउट किया जाता है। ये कंप्रेसर्स के जो टाइप है वो आपको बताऊं तो ये होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, और दूसरा होता है इन्वर्टर कंप्रेसर। तो इन्वर्टर में आपको मालूम है जो स्पीड है कम ज़्यादा होती है, और जो कन्वेंशनल कंप्रेसर होता है रोटरी वाला वो नॉर्मल एक स्पीड पे कंटिन्यूस चलता रहता है एक ही आरपीएम पे, और उसके अंदर जो इन्वर्टर वाला है उसमें आरपीएम चेंज होते रहते हैं। और दूसरा है जैसा कि मैंने आपको बताया पिस्टन्स, इसके अंदर पिस्टन यूज होता है, रोटरी पिस्टन यूज होता है इसके अंदर। तो इसमें भी दो टाइप्स है, एक तो सिंगल पिस्टन और एक ड्यूअल पिस्टन। इसके अंदर ड्यूअल कंप्रेशन होता है और एक में सिंगल कंप्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये तो इसके टाइप्स थे, और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो कंप्रेसर है विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पैनल एसी में यूज होता है। इसके बाद बढ़ते हैं कंप्रेसर नंबर 3 पे, जो है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में क्या होता है, दो स्क्रॉल होते हैं। ओके, ये जो आप इमेज में देख सकते हैं ये जो इसे बोलते हैं स्क्रॉल, एक होता है फिक्स स्क्रॉल और एक होता है मूविंग स्क्रॉल। यानी एक होगा फिक्स और एक मूव करेगा, ऐसा ऐसा घूमेगा दूसरे के अंदर। तो और ये किस तरह से घूमेगा, ये जो हमारी नीचे मोटर लगी उससे कनेक्टेड होगा और इस तरह से वो घूमेगा। तो ये जब घूमता है तो ये क्या करता है, साइड से सक करता है, और जैसे ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, ये दोनों के बीच में एरिया जो है, जो वॉल्यूम है वो कम होते जाएगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो है रेफ्रिजरेंट का जो है वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर बढ़ेगा, और सेंटर में आने तक इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो सेंटर से हमारे जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम के लिए काफ़ी है। तो ये जो सेंटर में आने के बाद में डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू ये हमारे कंप्रेसर से आउट हो जाएगा। इस तरह ये स्क्रॉल कंप्रेसर काम करता है। तो ये जो स्क्रॉल कंप्रेसर है इसकी जो कैपेसिटी है 2 टन से प्लस होती है, और 25 टन, ये 25 टन कैपेसिटी तक आता है। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है, आपने देखा होगा ये जो स्क्रॉल कंप्रेसर है, एक नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर आता है जो कॉन्स्टेंट एक स्पीड पर चलता रहता है, और दूसरा आता है जो आता है वो इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर आता है जो स्पीड वेरी करता है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो उसकी जो स्पीड है उसकी जो आरपीएम है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये जो स्क्रॉल कंप्रेसर है हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये जो आपने वीआरवी देखा होगा डाइकिन का, वीआरएफ देखा होगा, बाकी आपने पैकेज एसीज देखे होंगे, पैकेज एसीज में, ऑयल चिलर में, जहाँ 2 टन से ज़्यादा और 25 टन से कम कैपेसिटी की है वहाँ ये स्क्रॉल कंप्रेसर हम यूज कर सकते हैं। ये आजकल एकदम कॉमन कंप्रेसर है। तो बढ़ते हैं कंप्रेसर नंबर 3 की ओर, जो है स्क्रू कंप्रेसर। तो जैसा कि इसका नाम है स्क्रू कंप्रेसर, इससे आपको मालूम पता चल जाता है इसके अंदर स्क्रू होना ही जरूरी है। और जैसे आप इमेज देख सकते हैं इसके अंदर 2 हेलिकल स्क्रूज रहते हैं। ओके, तो ये जो स्क्रूज है इसमें एक होता है मेल स्क्रू और एक होता है फीमेल स्क्रू। ये जो स्क्रू है इसमें मेल पे लगती है हमारी मोटर, और ये सेमी ओपन टाइप कंप्रेसर जैसा होता है नॉर्मली। ये जो केसिंग होती है इसके अंदर ही स्क्रू भी होता है और एक साइड में होती है मोटर। तो इससे क्या होता है कि जो कंप्रेसर है इसे ओपन करके रिपेयर करने में आसानी होती है। और ये जो कंप्रेसर है ये क्या करता है, दोनों स्क्रू इस तरह से मूव होते हैं, यानी जो मेल अगर मोटर घुमाएगी मेल स्क्रू को तो वो फीमेल को भी घुमाता है साथ में, और इस तरह से मूव होते हैं कि दोनों के बीच में से हमारी रेफ्रिजरेंट पास होती है दोनों स्क्रूज के बीच में से, और आगे जाके उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, और वॉल्यूम कम होते होते उसकी जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लो प्रेशर सक करता है और हाई प्रेशर हमें वो आउट देता है। तो ये जो स्क्रू कंप्रेसर है हम यूज़ करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में, नॉर्मली ये वहीं यूज होता है, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 250 से 300 टन तक आज तक बनी हुई है। ये जो कंप्रेसर है हमेशा पार्शियल लोड के लिए रिफर होता है, यानी कि जहाँ पे लोड कम ज्यादा हो, क्योंकि ये अनलोड कंडीशन, यानी कि अगर लोड कम है सिस्टम पे तो भी अनलोड कंडीशन में भी अच्छी इफिशियंसी देता है। हमारा जो 5th कंप्रेसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आपने काफी पंप्स देखे होंगे सेंट्रीफ्यूगल, ये भी उसी तरह से काम करता है। इसका जो मेन पार्ट्स होता है वो है इम्पेलर। इम्पेलर क्या करता है, सेंटर से रेफ्रिजरेंट को सक करता है और वो बाहर की तरफ फेंकता है,
और इसी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है हमारा, जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और ये जो कंप्रेसर है ये यूज कहाँ होते हैं, ये होते हैं 300 एंड प्लस, ओके 300 प्लस टन का अगर लोड होगा तो उसमें ये चिलर्स यूज, ये जो कंप्रेसर है उस चिलर में यूज होते हैं। अगर इतने बड़े बड़े कंप्रेसर हमें चाहिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के लिए जहाँ पे लोड कंटिन्यूस होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, इसमें हमने देखा कि कितने टाइप्स के कंप्रेसर है। पहला था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा था रोटरी कंप्रेसर, तीसरा था हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, और लास्ट में हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये 5 टाइप के कंप्रेसर्स है जो हमारे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज आते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी कमेंट्स है लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने के पैसे नहीं लगते। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम लेके आपका जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।